विकासनगर में खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। टीम ने मौके से 6 डंपर और 1 पोकलैंड मशीन जब्त की। बता दें कि विभाग को पिछले कई दिनों से क्षेत्र में यमुना, आसन और अन्य नदियों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन इस अवैध खनन पर प्रशासनिक अमले ने पिछले लंबे समय से आंखें मूंद रखी है। अब अचानक देर रात खनन विभाग की टीम ने सहसपुर थाना पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की तो खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अभी आसन नदी में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने खनन विभाग और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच की, तो जांच में पाया कि रात को जो है नदी तल में पोकलैंड मशीन और कुछ डंपर लिफ्ट पाए गए, तो जिनको सीज करके थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया। सर कितनी गाड़ियाँ हैं? 6 गाड़ियाँ हैं और 1 पोकलैंड मशीन है। सर किन धाराओं के अंतर्गत इनको जो है यहाँ पर लाए गए? अवैध खनन एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको बंद कर दिया गया। तो चालान हो गया सीज? अभी ये सीज हो गए हैं, इसके बाद चालान होगा, उसके बाद जो है चालान जमा होने के बाद ही ये गाड़ियाँ रिलीज होंगी।